क्या आपने कभी ब्रिज को पेड़ों की जड़ों से बना हुआ देखा है? और क्या आपने ब्रिज को ऐसे सर्कुलर शेप में बना हुआ देखा है? नहीं ना? तो गाइस, आज मैं आपको टॉप 5 ऐसे वियर डिज़ाइन के ब्रिज बताने वाला हूँ, जिसे देखने के बाद तो आप खुद हैरान हो जाओगे। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिविंग रूट ब्रिज इंडिया। तो गाइस, भारत का ये ब्रिज पेड़ों की जड़ों से बना हुआ है। गाइस, ये ब्रिज की लेंथ सिर्फ 50 मीटर और विड्थ 1.5 मीटर है। और क्योंकि यह ब्रिज मेघालयन की जंगलों में बना हुआ है, तो इसे लोग ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते। पर माना यह जाता है कि इस ब्रिज को 500 साल पहले मेघालयन के लोगों ने बनाया था। नंबर 4 पर लिगो ब्रिज, जो जर्मनी में है। गाइस, जर्मनी का यह ब्रिज की खास बात यह है कि ये लिगो इस खिलौने की थीम का बना हुआ है। और गाइस, सच में ये ब्रिज काफ़ी क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है। नंबर 3 पे लगुना गैजोन ब्रिज, जो यूरेगिया इस देश में बना हुआ है। इस ब्रिज की खास बात तो आपको इस ब्रिज के सर्कुलर शेप की डिज़ाइन से ही पता चल रहा होगा। इस ब्रिज को सर्कुलर शेप में डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि ड्राइवर्स अपनी गाड़ी को स्लो ड्राइव करें और लोग इस ब्रिज को आसानी से और सेफ्टी से क्रॉस कर सके। नंबर 2 पे इशिमा ओहाशी ब्रिज, नाम से ही लगता है कि जापान का है यह ब्रिज। यह ब्रिज साल 1997 में बनाना शुरू किया और यह ब्रिज साल 2004 में बनकर पूरा हुआ। यह ब्रिज की टोटल लंबाई 1.7 किलोमीटर है। और इमेजेस में आप ये जो चढ़ाई देख रहे हो, इसके लिए यह ब्रिज काफ़ी मशहूर है। पर ड्राइवर्स के लिए इस ब्रिज की चढ़ाई पर ड्राइव करना काफ़ी खतरनाक है। नंबर 1 पे जो ब्रिज है, उसका नाम स्लेयरऑफ ब्रिज है। यह ब्रिज नदरलैंड्स में है। और इस ब्रिज की सबसे अनोखी बात यह है कि आप ये जो डेक इमेजेस में देख रहे हो, ये लगभग 4 से 5 फीट तक खड़ा हो जाता है, ताकि इसके नीचे से कौन सी भी बोट आसानी से निकल जाए। और अगर आपको इस ब्रिज की वीडियो भी देखनी है, तो इंटरनेट पे काफ़ी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कौन सा ब्रिज का डिज़ाइन सबसे अनोखा लगा, कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ।